तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ कंडीशन इन द वीवीए कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के कैसे इफ कंडीशन का इस्तेमाल होता है, ये हमारा आज का टॉपिक राइट। तो हमारे ए टू की वैल्यू है, अब इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है कि अगर वो ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ स्टेटस में ओके आ जाए, ठीक है। जस्ट मुझे शो करना है कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो स्टेटस में ओके आ जाए। तो डेवलपर बार में हम जाते हैं और यहाँ इंसर्ट मॉड्यूल करते हैं और सब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं यहां पे देता हूं कि इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज ओके। तो आप लोग सोच होंगे कल जो मैंने चीजें बताई थी उसे मैंने एंड इफ वगैरह दिया था। अभी यहां देखिए कि आपके पास एक कंडीशन और एक रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको एंड इफ करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में पूरा लिख सकते हैं कि इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू ओके। समझ गए? आया समझ में सर? सर आ गया। लेकिन वही मैं एल्स कर दूं कि भाई 50 हो तो ओके है, अदरवाइज पेंडिंग है, तो मुझे फिर यहां से इसको तोड़ना पड़ेगा और यहां देना पड़ेगा एल्स एल्स रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज पेंडिंग और फिर यहां पे एंड। क्लियर सर? सर इसे ब्रेक करना जरूरी था एल्स लगाने के लिए? क्या बोल रहे हैं? जैसे रेंज देन के बाद आपने उसे तोड़ा, रेंज को नीचे लेके आए, अगर वो वहीं लिखा रहता फिर हम एल्स लगा देते तो काम नहीं। फिर क्या हुआ कि इसमें क्या है कि हमें एल्स देना था, तो एल्स देने के लिए फिर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। एक लाइन में नहीं दे सकता, एक लाइन में आप एक कंडीशन और रिजल्ट दे सकते हो, लेकिन आपके पास दो रिजल्ट है, एल्स का ही रिजल्ट है। एल्स हो या दो रिजल्ट हो तो हमें उसको तोड़ना पड़ता है, फिर एंड इफ देना पड़ता है, एक पैटर्न है। समझ गए? अब आपके पास मान लीजिए दो कंडीशन हो, मैं चाहता हूं कि 85 यहाँ पे 85 टू 95 हो तो ओके है। तो दो कंडीशन से दोनों रिक्वायर है, तो मैं यहां पे एंड कंडीशन लगा दिया कि रेंज ए टू डॉट डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। प्लीज म्यूट रखिए, काफी शोर हो रहा है। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर के अलावा आगे। बोलिए तो इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 एंड लगा के हमने दूसरा कंडीशन दिया, अगर तीसरा है तो फिर यहाँ पे एंड लगेगा और फिर तीसरा कंडीशन चौथा पांच में इसी तरह से आप 255 करेक्टर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो सर इसमें हमें ये बार बार रेंज देनी पड़ेगी जितनी कंडीशन लगानी होगी? हाँ प्लीज, आपने किसी ने मोबाइल और सिस्टम दोनों से कनेक्ट कर रखा है प्लीज? तो ये हमारा तरीका हो गया।
अब मान लीजिए कि मुझे एल्स नहीं चाहिए, लेकिन मुझे दो कंडीशंस करने, जैसे मैंने दे दिया कि यहाँ पे कि इफ रेंज, हमने बोला कि ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, दैन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू ओके, फिर रेंज बी टू डॉट वैल्यू font.bold equal to true और फिर तो आप एंड इफ कब लगाएंगे? एक तरीका ऊपर मैंने बताया था आपको, तीन तरीके मैंने बताया आपको। पहला तरीका था कि आपके पास अगर एक सिंगल वर्ड, सिंगल कंडीशन है, सिंगल रिजल्ट हो तो आप ये दे सकते हैं। दूसरा, आपके पास अगर सिंगल सिंगल कंडीशंस पर एल्स मल्टीपल रिजल्ट, मतलब कि एल्स रिजल्ट हो तो भी आप यहाँ इसको दे सकते हैं। इस तरह फिर आपको यहाँ पे देन लगा के नीचे ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कि जरूरी नहीं है कि आप एल्स दो ही, आप कंडीशन देने के बाद अपने पास जितने भी है, जैसे हो सकता है 5 हो 10 हो 15 हो 20 हो, जितने भी आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हो उसको कोट कर सकते हो इफ के अंदर, ठीक है सर? जी सर। अब मान लीजिए कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कोड लिखता हूं, कोड 1 1 2 2 3 3 4 4, और मैं चाहता हूं कि अगर 1 1 आया तो दिल्ली, 2 2 आया तो मुंबई, 3 3 आया तो पुणे, 4 4 आया तो चेन्नई, इस तरह से देना है। तो यहाँ पे कंडीशन देना है, नहीं माफ कीजिएगा, हम बोला कि 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो तो मेट्रो सिटी देना है। अगर उसके अलावा कोई नंबर होता है तो उसके लिए जो है हमें आउटसाइड देना है या रूरल एरिया देना है या अर्बन एरिया देना है, कुछ ऐसा देना है। इफ हमने दिया कि रेंज ए टू नहीं होगा, एक कौन सा है, एच टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 1, और फिर यहां देंगे और रेंज एच टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 2 2 और रेंज एच टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 3 3 दैन रेंज i3 डॉट वैल्यू इक्वल टू मेट्रो और फिर else यहां देना है रेंज i3 डॉट वैल्यू इक्वल टू r1, ठीक है सर। अब यहां पे एंड और का क्यों यूज किया? और का इस्तेमाल इसलिए किया है कि हमारे पास इसमें से कोई एक ही कंडीशन हो सकती है, सारे कंडीशन नहीं। तो और का इस्तेमाल कब होता है? जब आपके पास जो कंडीशन है कोई एक हो या एक से ज्यादा हो, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं आपका और का। तो एंड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो, सारे कंडीशन इक्वल, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कैसे, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि सर मैंने सिर्फ यहाँ पे A2 और यहाँ पे H2 किया है, अगर नीचे बहुत सारा डेटा हुआ तो क्या हर रेंज के लिए अलग अलग करना पड़ेगा? तो ये चीजें हम लूप के साथ करेंगे, जो कि हम आगे क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लूप के साथ इसको कैसे किया जाए, ठीक है सर? जी सर। इज यू गॉट आउट? तो इफ का इस्तेमाल ऐसे करते, ये हमारा नॉर्मल इफ हुआ, राइट?